उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के पूर्व चेयरमैन अजीज कुरैशी सॉफ्ट हिंदुत्व वाले बयान पर चौतरफा घिर गए हैं। कांग्रेस कुरैशी के बयान को उनका निजी बयान बता रही है, लेकिन भाजपा इस पर लगातार हमलावर है। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अजीज कुरैशी के बयान पर कांग्रेस पर हमला बोला है और पलटवार करते हुए कहा है कि जाति और धर्म का मुखौटा पहनना कांग्रेस की पुश्तैनी आदत है। कांग्रेस नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए बधाई देते हुए कहा है कि आज भारत इतिहास बनाने जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत और प्रधानमंत्री के नेतृत्व के चलते भारत का तिरंगा चंद्रमा की सतह पर लहराने वाला है। मैं इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक विशेषज्ञों को बधाई देता हूँ। इससे भारत का नया परचम विश्व में लहराएगा। सिंधिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के अनेक मुखौटे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सामने आते हैं। अब धार्मिक यात्रा की बात की जा रही है। कल सागर में जातिगत जनगणना की बात की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल 22 अगस्त को सागर की सभा में कांग्रेस की सरकार बनाने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति का मुखौटा पहनना ही कांग्रेस की पुश्तैनी आदत है। इस मुखौटे को कई बार जनता ने उतारा है, फिर भी कांग्रेस कुछ सीख नहीं ले रही है और यही हाल है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का होने वाला है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के पूर्व चेयरमैन और 3 राज्यों के राज्यपाल रहे कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने पिछले दिनों विदिशा की लटेरी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस के कुछ लोग आज बात करते हैं धार्मिक आयोजनों की, ये डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेसी धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया बोलते हैं, कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह डूब मरने की बात है। पीसीसी दफ्तर में मूर्तियां बिठाते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि देश की सभी पार्टियां जिसमें कांग्रेस शामिल है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे अच्छी तरह से समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। आप मुसलमान को नौकरी देते नहीं हो, पुलिस सेना नेवी में लेते नहीं हो, तो क्या आपको वोट दें? उन्होंने कहा किसी की डरने की जरूरत नहीं है, भले ही मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए, जिस पर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।